नमस्कार, सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली के बारे में। बेसिकली इंस्टीट्यूट IVRI कैंपस के अंदर स्थित है और ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा संचालित होता है। ICAR इसकी मदरबाड़ी है और ये यहाँ पर इसका एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, IVRI कैंपस के अंदर स्थित है। इससे आप परिचित होंगे। तो इसके अंदर ये इंस्टीट्यूट बेसिकली पक्षी विज्ञान, पक्षियों पर अनुसंधान करने का काम करता है और उन पर विभिन्न प्रकार के रिसर्च, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, एग्रीकल्चर इफेक्ट, सोशल इफेक्ट, इकोनॉमिकली सभी टोटल अनुसंधान पक्षियों पर जो होते हैं वो यह इंस्टीट्यूट में किए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। बात करें इसकी स्थापना हुई कैसे, ये CARI तो बाद में बना। पहले ये एक पोलेट्री रिसर्च सेंटर के रूप में स्टार्ट हुआ था। वे बैक 1930 द रोल ऑफ पोलेट्री अप लिफ्टिंग रूरल इकोनॉमी एंड एलिवेशन ऑफ मल न्यूट्रेंट बाज रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन इन एग्रीकल्चर 1927 सेपरेट पोलेट्री रिसर्च सेक्शन एट द इम्पीरियल नाउ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI इज्जत नगर बरेली। बाज क्रिएटेड मार्च 11, 1939 बाज लेटर ऑन अपग्रेड द पोलेट्री रिसर्च डिवीजन PRD इन मिड 15 एंड कंटिन्यू It plays significant role in growth and development of Indian poultry sector under the Valentine's like. तो इसकी स्थापना बेसिकली जो रॉयल कमीशन था 1927 में, जो एग्रीकल्चर रॉयल कमीशन था 1927 में इसकी स्थापना की थी और IVRI के अंदर ही एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, पोलेट्री रिसर्च सेक्शन। तो पोलेट्री रिसर्च सेंटर जो था उसने बहुत सारे काम किए यहाँ पर। फिर पोलेट्री रिसर्च डिवीजन बना और इसमें जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे उसमें इतना काम हुआ था कि जो ग्रामीण इकोनॉमी थी वो बेसिकली पोलेट्री फार्म्स बेस्ड है, अंडे का उत्पादन या उनके चूजों का उत्पादन। तो ये बेसिकली गांव बेस्ड, विलेज बेस्ड इकोनॉमी है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कूड़ा करकट भी खाते हैं, मल न्यूट्रिशन खा के अपना फूड प्रोसेस। तो इस जो पोलेट्री फार्म, जो पोलेट्री डिवीजन था, इसके डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया लोगों ने, मैकडोनाल्ड 1939 to 1947, एससी लेयर 1949 to 1955, एस बोस 1958 1968 और बी पांडा 1969 79। इन लोगों ने जो पोलेट्री डिपार्टमेंट था, पोलेट्री रिसर्च डिवीजन था, इस पर बहुत सारे और बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल के दिए। अभी केवल पोलेट्री पे नहीं, टर्की पर, बटेर पर, गिद्ध पर और जो दूसरे बर्ड्स हैं उन पर भी ये रिसर्च करते हैं। बेसिकली यहाँ जो रिसर्च सेंटर है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो जो मुर्गी उत्पादन है वो हमारा एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, इसलिए यहाँ पर इसका सेंटर, और टर्की भी उसी का पार्ट है। तो इस सेंटर में बेसिकली एग और बायलर और जो चूजे, इनका पालन पोषण न्यूट्रिशन इन सब चीज़ों पर, यहाँ पर उसके हेल्थ के ऊपर और उस हेल्थ से मनुष्य को ह्यूमन न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त होता है, इन सब पर यहाँ CARI होता है। द PRD मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस 70 के दशक में बहुत ज़्यादा इन्होंने डेवलपमेंट किया, बहुत फेमस हो गया, बिकम द बिगेस्ट पोलिट्री रिसर्च यूनिट इन इंडिया, और ये इंडिया की सबसे बड़ी रिसर्च यूनिट डेवलप हो गई। ड्यूरिंग 1971 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट AICRP ऑन पोलेट्री ब्रीडिंग बाज इनिशिएट इन द डिवीजन विद इन 14 सेंटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। 1971 में पोलेट्री ब्रीडिंग के प्रोजेक्ट जो थे कंट्री के 14 डिफरेंट सेंटर पर स्टार्ट किए गए। लेटर ड्रॉ अटेंड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पोलेट्री साइंस बाज एस्टेब्लिश इन द डिवीजन टू ट्रेन पीपल नीड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोलेट्री सेक्टर इन द कंट्री। और यहाँ पर ये सेंटर जो था पोलिट्री रिसर्च में सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया और इसको एक्सीलेंस
realizing significance avian research in the country and order provide all round support the progress of poultry production in India, the Indian Council of Agriculture Research merged PRD and AICPR on poultry breeding established the Central Avian Research Institute at Ajitnagar on 2 November 1979, which over the year had emerged the primary institute of poultry research in the country. और जो हमारा PDR था, Poultry Research Division और AICPR दोनों को मर्ज करके CARI का निर्माण किया गया. तो CRI बेसिकली देखा जाए CRI नाम है और जो डेवलपमेंट हुआ CRI स्थापित हुआ तो 2 नवंबर 1989 में इसका स्थापित किया गया और ये भारत का सबसे प्राइम इंस्टीट्यूट है पोलिट्री रिसर्च में. प्रेजेंटली इट मींस कैंपस इज लोकेटेड इन हार्ट ऑफ नॉर्थ एंडोगंगेटिक प्लेन्स बिटवीन latitude 28 degree, longitude 78 to 79 degree in the campus IVRI Ajitnagar Bareilly. Basically जो CRI हमारा स्थित है ये नॉर्दर्न इंडिया में बहुत बड़ा सेंटर है और इंडो गंगोटिक प्लेन्स में स्थापित है. स्प्रेड ओवर द 54 एकर इंस्टीट्यूट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस हॉल म्यूजियम लाइब्रेरी 4 ब्लॉक्स अकोमोडेशन एंड लेबोरेटरी ऑफ वेरियस डिसिप्लिन 8 एक्सपेरिमेंटल फार्म्स एंड हैचरी फीड प्रोसेसिंग यूनिट अ सेमी ऑटोनॉमिक पोल्ट्री प्रोसेसिंग कम रेंडरिंग यूनिट एंड ट्रेनिंग्स हॉस्टल कम गेस्ट हाउस ETC. तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के जो पार्ट है इसमें जो आपको बताया गया लाइब्रेरी है उनका म्यूजियम है और बहुत सारी चीज़ें अकोमोडेशन है गेस्ट हाउस है बहुत सब चीज़ें जो रिसर्च सेंटर होनी चाहिए वो सभी चीज़ें अवेलेबल हैं. रीजनल सेंटर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कटक इसका जो रीजनल सेंटर है कटक उड़ीसा में स्थित हुआ था 26 जुलाई 1992 को बाद सबसिक्वेंट शिफ्टेड टू भुवनेश्वर ड्यूरिंग अक्टूबर 1998. द सेम हैज नाउ बीन शिफ्टेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ DPR हैदराबाद. इस तरीके से ये कंट्रोल होता है और उसके दूसरे सेंटर्स हैं. तो जो हमारा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान है इस हर वर्ष कुक्कट मेला आयोजित करता है जिसमें मुर्गियों की विभिन्न प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाता है अंडों का उत्पादन का और इसके मीट में कैसे बिजनेस करना है उन सभी की जानकारी इसमें उपलब्ध कराई जाती है और बहुत सारी मुर्गियों की प्रजाति आकर्षण होती हैं. ये मुर्गी फार्म का दृश्य है यहाँ देख रहे हैं उनके बच्चे किस तरीके से पालन पोषण उनका होता है. लैब है वहाँ ये डिफरेंट दूसरी स्पीसीज है टेर की ये देख रहे किस तरीके से फूड न्यूट्रिशन दिया जाता है. ये हमारा कैंपस ICR का कैंपस है और किसानों की आय को दुगनी करने का भी चल रहा है पशुपालन के साथ साथ कुक्कट पालन करना चाहिए तो यहाँ कई कंबाइन प्रोजेक्ट चल. तो मुर्गी की डिफरेंट स्पीसीज है जो आप देख रहे हैं और अंडे अलग अलग हैं इसमें अंडे का बहुत यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता की जाती है. ये विशेष प्रकार की ये आप अंडे को डिजाइनिंग करके देखे गए हैं लोकेटर अलग अलग स्पीसीज के अंडे हैं उन पर अलग अलग डिजाइन किया और ये यहाँ पर बतख होता है ये चूजे हैं खूबसूरती देख सकते हैं चूजे होते हैं डिफरेंट मुर्गी की. तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी जो CRI के बारे में आपको इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराती है. इसी इंफॉर्मेशन के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है. नमस्कार फिर मिलते हैं नेक्स्ट.